तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास पश्चिमी घाट की वादियों में इन दिनों रंग बिरंगी तितलियों का जाल सा बिछा दिख रहा है। दरअसल मौसम में बदलाव के बाद पेड़ों पर खिले फूलों का पराग लेने के लिए ये रंग बिरंगी तितलियाँ हर साल जनवरी से पहले आ जाती हैं और मार्च महीने के मध्य तक यहाँ रहती हैं। इन तितलियों का आकार 11 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। पक्षियों और तितलियों के प्रवास के बीच तुलना के बारे में तितलियों के विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक सुब्रमण्यम ने बताया कि तितलियों का पता लगाना आसान काम नहीं। पक्षी बड़े होते हैं जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है, इनके आने का पता चल जाता है, इनके पैरों में रिंग भी लगाई जा सकती है जिससे इन्हें ढूंढने में आसानी होती है, लेकिन तितलियों के मामले में ये बहुत मुश्किल काम है। इन पहाड़ियों में तितलियों की कई प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इनमें कॉमन ब्लू, बॉटल, पीकॉक, पेंसी, प्लेन टाइगर, कॉमन कास्टर, क्रिम्सन रोज शामिल हैं। आकार में छोटी इन तितलियों के लिए खतरा हमेशा बना रहता है। इस साल भी हमने बहुत सी तितलियां यहां देखी हैं। दिक्कत ये है, हम मनुष्य इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। हर दिन आप देख सकते हैं कि ये बसों, ऑटो और लोगों से टकराती है। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। कोयम्बटूर की वादियों में घने जंगल, हरी वनस्पति और पहाड़ियों की खनिज युक्त मिट्टी तितलियों के प्रजनन के लिए बेहद उपयुक्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।